दोस्तों, डहलिया को बीज से उगाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप सबसे पहले इस तरह से भुरभुरी मिट्टी ले लें और इसको किसी शैलो ट्रे में रख दें। अब आपको डहलिया की सीड्स लेना है और दोस्तों, इन सीड्स को आप यूनिफॉर्मली अपने इस ट्रे में मिट्टी के ऊपर फैला दीजिए और ऊपर से यही वाली मिट्टी फिर से डाल के सीड्स को ढक दीजिए और ढकने के बाद हल्के हाथ से थपथपा दीजिए ताकि जितनी भी सीड हैं वो अच्छी तरह से बैठ जाएं। अगर कोई सीड बाहर निकली हुई है तो आप दोस्तों उंगली से प्रेस करके उसे अंदर कर दीजिए और बस फिर शावर से आप इसमें हल्के हाथों से पानी डाल दीजिए। अब आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। आप सिर्फ 3 से 4 दिन में देखेंगे कि इस तरह से ढेरों नन्ही सीडलिंग्स निकलने लगेंगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, पेपर वाला कप लेना है और जो पेपर वाला कप होता है आइसक्रीम वाला शैलो, उसमें आप बॉटम पे होल कर दीजिए और होल करने के बाद जिस मिट्टी में आपने सीडलिंग्स को ग्रो कराया है यही वाली मिट्टी को ले लीजिए और इस कप में रख दीजिए। अब दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने फॉर्क लिया हुआ है। अब इसी फॉर्क से जितनी भी सीडलिंग्स हैं सबको जेंटली हमें उखाड़ना है और उखाड़ने के बाद दोस्तों आप सीडलिंग्स को देखेंगे, इसमें लंबी सी रूट निकल रही है। ये काफ़ी डेलिकेट होती हैं, इनको बिल्कुल भी हमें तोड़ना नहीं है और ये टूटने ना पाए। जेंटली हम इसको उठा करके अपने कप में हम रख देंगे और बाकी जो जगह बची हुई है उसको भी हम इसी सॉइल से दोस्तों फिल कर देंगे। अब फिल करने के बाद हमें हल्के हाथ से प्रेस कर देना है और हमारी सीडलिंग दोस्तों तैयार हो गई है। इसको चाहे तो हम कुछ दिन और नरिश कर सकते हैं और या तो कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो हम इसे कार्टन में रख देंगे और आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।